नंदिनी, तुम सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। मुझे पूरा भरोसा है, जब आकाश को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी ना, वो खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे माफी मांगेगा। इसलिए आप रोना बंद करो और तुम्हारा जो काम है ना, उसको पूरा कर दो। पर आपसे वादा करते हैं, हमें जैसी हमारे काम में कामयाबी मिलेगी, हम सबसे पहले आकर आपको बताएंगे। नंदिनी, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा जो भी मकसद है ना, उसमें तुम कामयाब हो जाओ। दादी, बड़ी दादी को दौड़ा तो नहीं पड़ रहा, एक काम करते, चाची को इतनी पागल होगी, मैंने सोचा नहीं था। अरे वो योगा कर रही है, कपाल भाती। और वो जुमला नहीं सुना तुमने, योगा से ही होगा। नहीं। कोई बात नहीं, जाओ तुम बाहर जाके काम करो, क्योंकि काम ना योगा से नहीं होगा। हाँ। वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है चाची। अरे का खुसुर फुसुर कर रही थी कमिया, हमारा तो सारा ध्यान सांस पे से रुक कर भंग हो गया। अरे भंग भंग छोड़िए, ऐसी खबर लेके आई हूँ कि आप दंग रह जाएंगे। आकाश और नंदू के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया है। आकाश के मन में नंदू के लिए पूरी तरह से खटास भर चुकी है। अरे वाह कमिया, ई का मतबल आकाश नंदू के लिए खड़ा ही नहीं होगा। अरे उसके लिए क्या, उसके साथ तक खड़ा नहीं होगा। सासुमा मैं क्या कहती हूँ, लोहा गरम है तो क्यों ना इस गरम लोहे पे हथौड़ा मारकर उस चंटो मैया के आदर्श बहु बनने के सपना को चखना चूर कर देते। हाँ कमिया, ये तो सच है, अब तो कुछ बड़ा ही करना होगा। ऐसे पिछली बार पता नहीं खाने में नमक कैसे ज्यादा हो गया था, इस बार दादी माँ को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ना कि 50 लोगों की खिचड़ी बनानी है, तो एकदम अच्छी वाली बनाएंगे। जैसे को तैसा, बस वही हुआ आपके साथ। खैर यहाँ क्यों आए थे आप? तुझे कुछ देने आए हैं। का? चेतावनी। पीरा से दूर रह, उसमें डोरे डालना बंद कर दे, और अगर नहीं किया ना तो तेरा टेटुआ दबा देंगे हम। हमारी बात मानेगी ना तो फायदे में रहेगी। डरते होंगे लोग आपकी धमकियों से, पर नंदू के सामने आपकी धमकियां तिनके के बराबर है। तो जान बचाए उसे धन्यवाद भी नहीं बोल। सुनीता ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना। सुनीता दीदी बाजार गई है चाची। कपड़े ही मशीन में ढूंढ के उसमें डालने का काम हम कर देते हैं, सुनीता दीदी का काम थोड़ा आसान हो जाएगा।
नमस्ते इमरती जी, हमें मंदिर प्रसाद ने खाना लेने के लिए भेजा है। ए संतरो, ए भगिया जल्दी से जाके रसोई में से दाल खिचड़ी लेके आ, मंदिर से आए हैं, हैं? काम हो गया ना? भाभी। हाँ? भाभी आप ये क्यों कर रही हैं? आपको आराम करना है ना? मैं कर देता हूँ, बताइए क्या करना है। ये एक्चुअली ना मैले कपड़े हैं, इन्हें वॉशिंग मशीन में डालना है। थैंक यू। क्या बात है सासुमा, आज इस गफार की गफारियत आकाश भी देखेगा। क्योंकि मैंने जो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके कारनामा किया है ना, उसके बाद आकाश और नंदिनी के बीच की गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। दीदी रसोई में दाल खिचड़ी नहीं है। ऐसे कैसे, नंदिनी ने तो जिम्मेदारी ली थी दाल खिचड़ी बनाने की। मैंने देखा नहीं है रसोई में। एक काम करो, जाओ उसी से पूछो। ठीक है। लाओ आकाश, मैं कर देती। मशीन में दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी? उस कफार के सर में दिमाग है या गोबर? वॉशिंग मशीन में दाल खिचड़ी कौन डालता है? आकाश, तेरी बीवी ने तो वॉशिंग मशीन को कढ़ाई बना दी। नंदने, नंदने, क्या हुई था? ये देखिए। अरे कमबख्त मारी ने तो, अरे क्या बताएं? नंदने, अरे बिट्टू 25 साल से हम लोग पूरे गांव में देसी घी की खिचड़ी बांटते थे, हमारी तो इज्जत थी, इसे वॉशिंग मशीन में इज्जत डाल दी सारी। इतना बददिमाग इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। नंदनी तो सच में नील पटे सन्नाटा है। आ गई आदर्श बहू। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? सत्यानाश हो गया, जीना दुश्वार हो गया। क्या किया तूने? अरे खिचड़ी को तूने वॉशिंग मशीन में डाल दिया? ये खिचड़ी नहीं, तू हमारी इज्जत की अंतिम वॉशिंग मशीन में डाल दी। अरे कहाँ जा रही, इधर इधर। अब वो जो आए हैं गांव के, सब खिचड़ी लेने को, वो घर के बाहर जाके क्या बोलेंगे? अरे तुमसे ज्यादा होशियार तो उल्लू भी मानता होगा अपने आप को। वॉशिंग मशीन में खिचड़ी? अब मेरी बात सुनिए। बस हर बार तुम्हारी बेवकूफियों को देख के लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती। पर पता है हैरानी की बात क्या है, हर बार तुम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती हो। अब एक बार अपनी बात। अरे नहीं सुननी तुम्हारी बात। बात का सुने, अब तो बात दुनिया बनाएगी भारद्वाज परिवार के बारे में। इज्जत कहने से पहले आप लोग अपनी बात कर रहे हैं। नहीं सुनी तुम्हारी कोई बकवास बात, समझ आया तुम्हें? और ये रोने से ना तुम्हारी गलतियां ठीक नहीं हो जाएंगी। अब मेरी बात सुनिए, आपने सुनाई की क्यों कराई दादी ने तुमसे शादी, क्यों कराई? मेरी नजरों से दूर हो जाओ, निकलो यहां से। मैं कह रहा हूं दौड़ो तुम। वाह काम्या, आज तो तूने कमाल कर दिया। क्या फसाया है मैंने और सासू माँ ने इस गवार को मिलकर, मजा आ गया। बन गई दाल खिचड़ी। कहा ये लोग वॉशिंग मशीन के चक्कर में पड़े, हम आज से ही कपड़े धो के बर्तन की तरह चमका देंगे।
बेवकूफ लड़की। गवार के अरमानों की बनेगी दाल खिचड़ी। इस बेवकूफ से मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने कहा था, खिचड़ी वॉशिंग मशीन में डाल दी। काश, समझ में नहीं आता क्या बोलूं अब इसके लिए मैं। ओह माय गॉड, ये तो वायरल कंटेंट है। इसकी वीडियो तो कितनी हिट होगी ना। एक काम करती हूँ, इसकी वीडियो लेती हूँ। इस गवार के चक्कर में मैं भी वायरल हो जाऊंगी। यस। क्या क्या चल रहा है ये सब देखिए, लुक एट दिस। ए पगले, चल यहाँ से, बस हो गया, खिचड़ी का तमाशा बना दिया, निकलो यहाँ से। गॉड डियर, रुको ना, हम भी आते हैं। ए बिटुआ, हम तो तुम्हारी फिक्र में मरे जाएंगे। ये लड़की ने तो हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आकाश, हमको तो बहुत बुरा लगता है बिटुआ कि गवार छोरी के साथ शादी करा के सुमित्रा ने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिटुआ, तेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। जरा सोच, तू इतना समझदार है, लड़की को ना मधुपुर इसके गांव में जाके छोड़ा। हाँ बिटुआ, वो ही सही रहेगा। बाकी तू समझदार है बिटुआ, और हम कहाँ बोले। चल कमिया, चले। ये ठंडे दिमाग से सोचना है। अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ आ गए हैं, हमें कुछ ऐलान करना है। नंदिनी के 7 दिन की परीक्षा एक आदर्श बहू की आज पूरी होती है। हम जानते हैं इन 7 दिनों में इस घर में बहुत उथल पुथल हुई है, नंदिनी से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, छोटी गलतियां, बड़ी गलतियां, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, हम जानते हैं ये सब गलतियां हुई हैं। दादी माँ, वो हम नहीं। नंदिनी, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम ने ही सब कुछ कह दिया है। हम मानते हैं कि तुमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन तुमने हमेशा
हमारे परिवार की रक्षा की है। तुमने जेठानी जी को कामिया से बचाया। इस घर को दुलारी से बचाया है। धीरे से पेट्रोल की बदबू आ रही है। आई थी ना ऊपर से नीचे तक खुद पे पेट्रोल डाल के जाए। और जब रॉयल गेस्ट आए थे तब तो तुमने हमारी इज्जत में चार चांद लगा दिए। एकदम स्वादिष्ट खाना है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी तुमने हमेशा इस घर को एक रखा है। नंदनी भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन रिश्ते परिवार इस सब की समझ आप लोगों से कई ज्यादा है। और एक आदर्श बहू में हमें यही सब गुण चाहिए। इसलिए नंदनी इस घर की आदर्श बहू है। हमको तेरा फैसला मंजूर नहीं है। आदर्श बहू तो वो होती है जिसे अपने खानदान की इज्जत का ध्यान होता है, पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ नैन मटकता नहीं करती। इस लड़की का उस बीरा के साथ नाजायज संबंध है। छी 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 छी। दादी माँ हमें माफ कीजिए लेकिन कितने गंदे इल्जामों के बाद हम आदर्श बहू नहीं बनना चाहते। कहे कि ये इल्जाम झूठे भी हैं और बेबुनियाद भी। नहीं नंदिनी, तुम कुछ नहीं कहोगी। हम ये सब तुम्हारे पति आकाश के मुंह से सुनना चाहते हैं। आकाश, क्या तुम्हें भी लगता है कि नंदिनी गलत है? बोलो आकाश। बिटुआ बोल दे, हम तो बोल चुके जो बोलना था और तूने तो सबको देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इसकी हरकतें, महारानी की करतूतें सब देखी है तूने तो। जय राम जी की सुमित्रा, बस हो गया। आकाश यहाँ आओ। हाँ, मैं नंदिनी को कसूरवार मानता हूं। और मुझे लगता है कि इसको आदर्श बहू बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, क्योंकि मैं दादी इसकी रोज रोज की गलतियों से पागल हो गया हूं, तंग आ चुका हूं मैं। जरा सोचिए, 25 साल से हमारा परिवार मंदिर में खाना भिजवा रहा है, खाना भिजवाने की रीत को निभा रहा है ना, पर इसने 25 सेकंड नहीं लगाए इस रीत को तोड़ने में। और बड़ी दादी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। रात बिरात किसी गैर आदमी के साथ वक्त बिताने वाली लड़की कभी कभी आदर्श बहू नहीं बन सकती दादी। मैं इसका पति होने के नाते आप सबको बताना चाहता हूं कि यह आदर्श बहू बनने के लायक नहीं है।
सकती। अरे आदर्श बहू तो क्या, ये एक आदर्श बीवी तक नहीं बन पाई। आकाश के होते हुए किसी और के साथ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। जब ये एक आदर्श बहू नहीं बन पा रही है, ना एक अच्छी बीवी बन पा रही है, तो इस घर में ये कर क्या रही है। मैं तो कहती हूँ इसका बोरिया बिस्तरा बांधो और भेज दो वापस मधुपुर। अगर आज नंदू आदर्श बहू नहीं बन पाई तो ये हमारे विश्वास की हार होगी। दादी माँ, हम आपके भरोसे को कभी हारने नहीं देंगे। हम जानते इस घर में हमारे खिलाफ साजिश हुई है, इसलिए हम आदर्श बहू बन सकते हैं या नहीं इसका फैसला कल देवी मैया करेंगे। काहे कि कल नवरात्रि है। तुम क्या कहेंगी, प्रधानमंत्री हो क्या, जो थाली पीट के हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे। हमें लगता है कि हमें नंदू को और एक मौका देना चाहिए। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और हमारे घर की परंपरा है कि हम हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी बहू का अपमान नहीं करते हैं। नंदनी को लगता है कि उसके साथ साजिश हुई है, तो ये एक मौका है। अगर वो अपने आप को साबित कर पाए तो वही बनेगी इस घर की आदर्श बहू। अच्छा जी, फैसला भी खुद ले लिया और खेल भी खुद खेल लिया, तो हम लोगों को किसने बुलाया यहाँ पे। दे दो इसको आखिरी मौका दे दो, पर हमको पूरा यकीन है ये चंटो मैया इस घर की आदर्श बहू होने के लिए पूरी तरह से नाकामयाब रहेगी। ही माता जी, कल से आप हमारे इस महल में पधारने वाली है, बस हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि हम अपने ऊपर लगे अपने पति के इल्जामों से मुक्त होकर अपने आप को उनकी नजरों में सही साबित कर सके, ताकि सही मायनों में हम अपने पति के दिल और विश्वास को जीत पाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।